हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज एक छात्र ने रेलवे ऑफिस में एक बात की है ज्वाइनिंग को लेकर, तो आइए इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं कि रेलवे की तरफ से क्या जवाब मिला है। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। आनंद पांडे बोल रहे हैं सर, बिहार से सर। हाँ बोलिए। ये सर अलाहाबाद वालों को बुलाया है सर, मुंबई बोर्ड वाले कब ये सब कुछ करेंगे सर? देखिए अभी ऐसा है, दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं महाराष्ट्र में, उसके वजह से जेएम सर ने अभी तो स्टॉप किया हुआ है। तो कब तक ये सर मे भी चांस लग सकता है कि इसका इसका नहीं ना, कुछ प्रोसेस? नहीं बोल सकते ना सर, कुछ नहीं बोल सकते वैसे। तो सर ऐसा क्यों, मतलब अलाहाबाद वालों ने बुलाया ये अलाहाबाद भोपाल में है क्या इतने केसेस? क्या? इतना केसेस है क्या अलाहाबाद में? इलाहाबाद में उतना केसेज नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए महाराष्ट्र में 30,000 के पार चला गया है, आपको आके पेशेंट होना है या कोरोना का? मेरे को एक बात बताए, आपको बुला के हम कोरोना पेशेंट बनवा रहे क्या? वो सर वो तो ठीक है, लेकिन इसका ये इसका वैक्सीन भी नहीं ना बना सर, तो फिर क्या हम देश को इतना मतलब गुमराह करके कैसे रख सकते हैं सर? तो एक पैनल की देखिए पॉलिडिटी भी होती है 1 साल की, वो भी अगर टप गया तो फिर क्या होगा ये बताइए हमको। ये तो ऊपर से पॉलिसी मैटर है, ये पॉलिसी मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते है ना। और सर जो लड़कों को अब मुंबई पहले से अंडर प्रोसेस करके रखा है उसको, जो लड़का सर एक चीज हमको बताइए सर। देखिए नहीं, आप हमारी बात सुनिए। हाँ आप हमसे बहस करके कुछ मिल सकता है कि आपको? नहीं सर, बिल्कुल सांत्वना मिल सकती है आपको सर? हाँ सांत्व आपसे बात करके बस एक सांत्वना जो मिलती है ना सर, वही सुकून मिलता है दिल पे। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए मैंने सवेरे भी बात किया था सर से। अच्छा, तो सर बोले थे, भैया बोले जीएम ने बना कर दिया है, अभी अच्छा मीटिंग में मना कर दिया है, अभी कैसे करेंगे? सेंट्रल लेवल में किसी का अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे। अच्छा